पौधे पे ये मिर्ची लग रहा है। कहाँ है गिरगिट? तो फ्रेंड्स पारवीन को अभी गिरगिट दिख लिए देख लिया है, देखिए डर के मारे हालत खराब है। कहाँ है? रुको फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। तो फ्रेंड्स आप लोगों को पता ही है कि पारवीन का तबीयत ख़राब है, इसलिए कुछ दिनों से वीडियो नहीं बना पा रही है बिल्कुल भी। तो देख सकते हैं पारवीन यहाँ पर सो रही है, तो मैं सोची कि मैं ही आज एक ब्लॉग वीडियो बना देती हूँ। तो फ्रेंड्स कहीं दूर पे तो जा नहीं सकती हूँ ब्लॉग बनाने के लिए, या बाहर पथार खेत की तरफ भी नहीं जा सकती हूँ वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि पारवीन का तबीयत ख़राब है और मैं अकेले नहीं जा सकती। तो फ्रेंड्स चलिए आज आप लोगों को मैं सोच रही थी कि मैं जाती हूँ थोड़ा सा पीछे में जा के देखती हूँ मेरे घर के खेत पर क्या क्या लगा हुआ है, तोड़ के लाती हूँ। खाना भी बनाना है, पापा काम गया है, काम से आने के बाद खाना खाएगा, तो इसलिए सोच रही हूँ कि जल्दी जल्दी मैं खाना बना लेती हूँ। लेकिन घर पे कुछ सब्ज़ी नहीं है, तो सोचती हूँ कि जाके खेत से ही अपने सब्ज़ी तोड़ के लाती हूँ। तो चलिए आप लोगों को भी साथ में लेके चलते हैं। फ्रेंड्स मैं निकल गई हूँ मेरे घर के पीछे में, देख ही सकते हैं आप लोग कि मैं अपने घर के पीछे में आ गई हूँ। तो देखती हूँ कि क्या लगा हुआ है। ये है हमारे घर का नींबू का पेड़ जो इतना लंबा है, इतना ऊँचा है, उसको मैं तो नींबू तोड़ भी नहीं पाऊँगी। एक एक छोटा छोटा नींबू लग रहा है, एक एक छोटा छोटा नींबू हो रहा है। तो फ्रेंड्स ये है लीची का गस पापा ने उगाया, क्या बोलता है नहीं पता है, पापा ने लगाया था ये वाला गस। तो यहाँ पर तो कुछ है ही नहीं, सब ख़त्म हो गया है। काफ़ी दिनों से, एक हफ्ता से नहीं निकली हूँ ना बाहर, तो नहीं देख पा रही हूँ। यहाँ पर कुछ भी नहीं है, सब सूख गया है। और ये मैं आ गई हूँ अपने खेत पे, पहले एक वीडियो पे मैं दिखाई थी, आप देखिए पूरा जंगल हो गया है मेरा खेती। और ये साग सब भी बहुत बड़ा बड़ा हो गया है, आप लोग देख सकते हैं इतना बड़ा हो गया है। और क्या इसको क्या बोलता है ये नहीं पता है ना, इसको क्या बोलता है ये वाला गस जो है, इसको क्या बोलता है नहीं पता है। तो फ्रेंड्स आप लोग देख ही सकते हैं पूरा हमारा जो खेत है ना पूरा खाली हो गया है, और यहाँ पर जंगल भर गया है, वहाँ पर वो सब ही हो गया है पूरा। पारवीन तो क्यों उठ के आई है? तेरा तो तबीयत ख़राब था ना, उठ के आ गई है। तो आ गई है तो कोई बात नहीं है, ब्लॉग बना लेते हैं ठीक है। तो फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर एक मिर्ची लगा हुआ है, ये वाला मिर्ची लगा हुआ है यहाँ पर, लेकिन मिर्ची थोड़ा सा ख़राब हो गया है, पता नहीं इसको ये देना पड़ेगा। इतना छोटा सा गस पे मतलब कि ये फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं वो वाला जो है वो गिरगिट है। हम लोग आए थे थोड़ा सा खेत में, तो देख रही हूँ वहाँ पर गिरगिट मिल गया है हमको, पता नहीं क्या होगा। लोग जा रहे हैं, हाँ नहीं होगा हमसे ये सब, क्योंकि गिरगिट यहाँ पर आ गया है तो खून सूझता है गिरगिट। मेरे अम्मी ने मुझे बोला था, कॉल आ गया था जीजा जी का। तो फ्रेंड्स वहाँ पर गिरगिट है तो इसीलिए हम लोग नहीं यहाँ पर रहेंगे। तो फ्रेंड्स जाते जाते आप लोगों को दिखा के जा रही हूँ, यहाँ पर पाइनएप्पल लगा हुआ है, तो देख सकते हैं दो पाइनएप्पल उगा है। बार बार जीजा जी फ़ोन करें, दो पाइनएप्पल लगा हुआ है तो आप लोग देख ही सकते हैं। तो मैं यहाँ से निकलती हूँ, नहीं तो गिरगिट मेरे पीछे आ जाएगा।